अरे कृष्णा, तो आज का ये विशेष वीडियो है आप सबकी रिक्वेस्ट पे। आप सबने हमसे रिक्वेस्ट की एक टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक ये था कि ना किस प्रकार से स्मार्टफोन का यूज तो हो लेकिन उसका मिसयूज ना हो। तो भला ये कैसे संभव है? तो आज का ये सेशन इसी टॉपिक को एड्रेस करेगा कि किस प्रकार से स्मार्टफोन का यूज करें लेकिन उसका मिसयूज ना करें। क्योंकि आज इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि इंटरनेट का इतना ज़्यादा मिसयूज़ है, स्मार्टफोन्स का इतना ज़्यादा मिसयूज़ है कि इस समय दुनिया में नंबर वन कंट्री इंडिया इन वॉचिंग द डर्टी वीडियोज, वेस्टिंग सो मच ऑफ वाइटल एनर्जी, वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, एंड द रिजल्ट इज दैट आफ्टर स्पिनिंग ऑफ वंस वाइटल एनर्जी इवन हमारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज सो मच सेल्फ अब्सॉर्ब कि वो इतना खोया हुआ है कि मी एंड माई मोबाइल फोन, दैट्स इट। तो परिवार खराब हो रहे हैं, आगे बच्चे नहीं हो पा रहे, रीजन भी पीपल आर स्पिलिंग आउट देयर वाइटल एनर्जी वाचिंग सम डर्टी वीडियो ऑन द नेट। तो ये स्मार्टफोन है, ओह गॉड, इट इज क्रिएटिंग हेल इन लाइफ। तो आज का जो यूथ है, क्योंकि इस एडिक्शन से, स्मार्टफोन एडिक्शन से एडिक्टेड है, इसकी वजह से और बाकी एडिक्शन से भी एडिक्ट हुआ जा रहा है, तो इसलिए आज का यूथ भूत बने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से स्मार्टफोन के मिसयूज को रोका जाए, सो सम ऑफ द टिप्स व्हिच वी आर गोइंग टू शेयर टुडे इन दिस वीडियो। टिप वन, वी शुड स्टार्ट रिपोर्टिंग आवर नेट सर्फिंग। जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने नेट की सुविधा ली हुई है, उनसे आप डिटेल वाला बिल मंगाएं और ये डिटेल वाला बिल सबमिट करें किसी वेलविशर को। जैसे आपकी जितनी भी नेट सर्फिंग है इसकी रिपोर्टिंग होनी शुरू हो जाती है, तो होता क्या है, वहां पर अपनी ईगो फंस जाती है कि दुनिया वाले बोलेंगे, ओहो तो आप ये सब कुछ भी देखते हैं और इतने घंटे देखते हैं, अरे भाई। तो जहां हमारी इज्जत फंस रही होती है ना, वहां पर वो काम हम लोग नहीं करते। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नेट सर्फिंग का मिसयूज ना करें, तो क्या करिए, नेट सर्फिंग आप जो भी कर रहे हैं उसका डिटेल बिल मंगा करके, भले कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, दे दीजिए, एंड देन यू जस्ट गेट योर नेट सर्फिंग गेटिंग रिपोर्टेड टू समवन। टिप टू, जब कभी इंटरनेट एक्सेस करें उसको पब्लिक एरिया में ही एक्सेस करें। लोग अक्सर डर्टी वीडियोज देखते हैं व्हेन दे आर अलोन, जब वो अकेले होते हैं, बट व्हेन यू आर एक्सेसिंग द इंटरनेट इन पब्लिक, तो वहां पर आप किसी गलत सलत वेबसाइट पर नहीं जाते, बिकॉज सबकी नजर आप पर है। Like many of my friends, what they have done, कि वैसे उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर नेट नहीं है, उन्होंने अपने सिम कार्ड वाले को बोला, भाई इसमें से नेट हटा दो। अच्छा, तो नेट कब एक्सेस करते हैं? Then they come to the temple, और टेम्पल में आ करके जब वाईफाई कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आकर के नेट को एक्सेस करते हैं। तो अब जो व्यक्ति वाईफाई की जोन में आएगा, तो सो दैट्स पब्लिक एरिया, और पब्लिक एरिया में हम लोग कोई भी बुरी चीज़, गंदी चीज़, भाया चीज़ देखने में हिचकिचाएंगे। सो दैट इज One can access the internet only in public area. Best rehta hai Wi-Fi connection. Like many of my friends, they access the internet only on laptop, but not on the mobile phone. Hota kya hai, hum log laptop hamesha apne saath carry nahi karte, but mobile phone we are always carrying. Kyunki ab usme net hai, to yahan misuse kiya, kabhi ye video dekha, kabhi wo video dekha, kabhi galat cheez dekhi, kabhi kuch mazedar cheez dekhi. Ye dekhte dekhte sara time hamara beet jata hai. So isliye public area mein hi internet ko access kare, and then you can save yourself from misusing the smartphone. टिप थ्री इज दैट यू कैन गेट अलॉन्ग विद स्मार्टफोन अ बटन वाला फोन, जिसको आप हमेशा अपने साथ कैरी करें। होता क्या है कि जब स्मार्टफोन बगल में पड़ा होता है तो मन करता है चलो उसको छू ही लें, चलो उसको उठा ही लें, चलो कुछ कर ही लें। एक रिसर्च के अनुसार जब लोगों से पूछा गया कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, सो 78% लोगों ने कहा हम अपने स्मार्टफोन को उठाएंगे और उस पर कुछ ना कुछ करेंगे। ये कुछ नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, सामने अप्सरा बैठी है इसको उठा लेते हैं। सो दैट मींस आप क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन को थोड़ा अलग रखें, अपने पास आपका बटन वाला फोन रखें, उसमें आप डायल कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, परफेक्टली फाइन। लेकिन स्मार्टफोन रहता है तो उसमें रहता है, चलो अभी कुछ कॉल तो नहीं कर रहे, चलो कुछ और ही कर लें। तो इसलिए जब तक ये आंखों के सामने पड़ा रहेगा, तो तब तक वी वुड बी टेम्प्टेड टू यूज इट एंड मोस्टली मिस यूज इट एक्चुअली। तो इसलिए गेट योर सेल्फ टू फोन्स, वन बटन वाला फोन एंड वन मोर स्मार्टफोन, ताकि स्मार्टफोन से जो एडवांटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल से बुकिंग अ कैब और से रिसीविंग सम काइंड ऑफ व्हाट्सएप मैसेज, वो भी कर सके। लेकिन अब ये लेकर के आपने डाल दिया शेल्फ में एंड यू हैव योर बटन वाला फोन फॉर एवरीडे यूसेज। नाउ टिप नंबर फोर, अक्सर लोग बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, दे आर वॉचिंग समथिंग डर्टी, समथिंग नैस्टी ऑन द इंटरनेट, बिकॉज उनके पास एंगेजमेंट ही नहीं है, खाली समय है मेरे पास, तो खाली समय है तो चलो फोन उठाते हैं एंड देन वॉच समथिंग अनडिजायरेबल, समथिंग नॉट गुड। सो इसलिए लाइफ में एक पॉजिटिव एंगेजमेंट को लाना बहुत जरूरी है। इट कैन बी लर्निंग सम काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, से करताल, मृदंगा, हारमोनियम, गिटार, दैट्स परफेक्टली ओके।
और से लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, से फॉर एग्जांपल संस्कृत। सारी लैंग्वेजेस में संस्कृत लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट भी होती है, हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, वी बिकम मोर सात्विक, हमारे सेंस ऑफ मोरालिटी बढ़ती है। सो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव एंगेजमेंट होगी, आई वुड नॉट हैव टाइम टू मिस यूज ऑन द स्मार्टफोन। एंड नाउ टिप नंबर 5। अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया, भले ही हम अपनी नेट सर्फिंग की रिपोर्टिंग भी कर दें, वी मे एक्सेस इन द पब्लिक, और आई मे गॉट अ बटन वाला फोन, आई गॉट अनदर स्मार्टफोन बट आई गॉट अ बटन वाला फोन, ओके आई गॉट सम पॉजिटिव एंगेजमेंट एज वेल, बट माइंड इज वेरी नॉटी। सर आपने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आई हैव अ वे टू डू समथिंग विच आई शुड नॉट डू। तो 5वीं टिप है, गेट अ पेरेंटल कंट्रोल ऐप। तो आज अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल गेट सम वेरी नाइस एप्स बीइंग अवेलेबल, और कॉस्ट कितनी है, मे बी 5,000 रुपीज अ ईयर, एंड दैट टू फॉर 15 पीपल, 15 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए साल के, क्या है, कुछ भी नहीं। तो 5,000, 7,000, 10,000 साल के फॉर 15 पीपल, 10 पीपल, 30 पीपल, और इवन फॉर द सिंगल पर्सन यू कैन गो फॉर दिस ऐप। की एक व्यक्ति के लिए ओके से 500 रुपए, 1,000 रुपए मैक्सिमम साल का, इट्स नथिंग, इट्स पीनट्स। Very economical to save ourselves from the misuse of smartphone. यहाँ पर हम किसी app को mention नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है maybe this particular app वाला person has sponsored this video. They might have got lot of money, man. That's why they are saying this. तो इसलिए हम किसी app का यहाँ नाम तो नहीं ले रहे, but get a parental app. So एक होती है parent app और एक होती है child app. जिस phone में child app installed है, उस phone में किस किस जगह पर व्यक्ति ने क्या क्या देखा है, कौन कौन सी इमेजेस देखी हैं, कौन कौन सी वीडियोस देखे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे गए हैं, यूट्यूब पे कितना समय बिताया है, इंस्टाग्राम पे कितना समय बिताया है, ट्विटर पे कितना समय बिताया है, आलतू फालतू काम में कितना समय बिताया गया है, यूजफुल काम में कितना समय बिताया गया, ये सारी रिपोर्टिंग होती है उस फोन में जिसमें कि पेरेंट ऐप डाली गई है। अब पेरेंट ऐप जिसके पास है, उसके पास हमारी सारी पोल पट्टी है। ओह, सो ऑल दो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन, दैट मीन्स हमारी नेट सर्फिंग गेट्स रिपोर्टेड, बट येस दिस वन इज मोर इफेक्टिव। रीजन बींग, इसके अंदर व्यक्ति उस वेबसाइट को पर्सनली एक्सेस भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पेरेंट ऐप है, ही कैन ऑल्सो बिकम चाइल्ड ऑफ समबडी, यानी कि उसको भी कोई देखने वाला है। तो इस प्रकार से अगर हम चाइल्ड और पेरेंट ऐप अलग अलग फोन्स पे इंस्टॉल करते हैं, आपस में हम एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं अपनी नेट सर्फिंग की, ऐसे में देर आर वेरी 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 लेस चांसेज दैट वी वुड डू समथिंग नेस्टी, और करेंगे तो उसके बाद बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। अरे, और आपस में अगर बातचीत हो गई, अरे सारी इज्जत मटिया मलेट हो जाएगी जी। So that is, I strongly recommend that we should get this parent-child app installed in our phones. When I got my new phone, mujhko pata tha ki smartphone ka aksar log misuse karte hain. So that phase, right from day one, I got this parent-child app installed just for safety's sake. Kyun? Kyunki mobile phone hai, anybody can misuse it. So that phase, I am also parent of few of my friends, and also I am child with some other parent. So that phase, whatever I am accessing, somebody knows, and whatever others are accessing, I also know. So that phase, इस तरह से हमारे friends में अगर child app या parent app install होती है, then we can save ourselves from the misuse of internet and misuse of smartphone as well. हमारे श्री प्रभुपाद बोला करते थे, कांटे से कांटे को निकालना है। Technology की वजह से इतना misuse होता है, and we do so much of nonsense. Okay, technology से nonsense हुआ जी। So technology का इस्तेमाल करेंगे technology के misuse से बचने के लिए, कांटे से कांटे को निकालना है। And of course, tip number 6. Most importantly, we should chant the holy names of the Lord. Jitna zyada hum Bhagwan ka naam lenge, and that too with absorption, utna zyada hamari buri aadatein kamzor pad jati hain. To ye smartphone ka misuse karna hai, ye ek tendency hai, ye ek tarah ki pravritti hai. Ye pravritti kamzor hoti hai jab hum Bhagwan ka naam lete hain. Naam jo hai hamare mein sattvikta ko badhata hai. Jitna zyada sattogun badhega, utna buri aadaton mein hum kam padhenge. बुरी आदतें पड़ती हैं रजोगुण में, तमोगुण में। सो दैट फेज मिसयूज कम हो जाएगा स्मार्टफोन का, इन केस वी आर रेगुलरली अटेंटिवली विद एब्जॉर्प्शन चैंटिंग द नेम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन यूजिंग योर स्मार्टफोन, नॉट इन मिसयूजिंग द स्मार्टफोन। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, वी मस्ट डू एंड सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द ऑनस्लॉट of this most dangerous weapon of Kali Yuga, which is a smartphone combined with internet. Hare Baba, Hare Baba. So I wish you all the very best. Hare Krishna.